नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भागलपुर में कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव 2 सहयोगियों के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपये के साथ गिरफ्तार किया। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा सोमवार की देर रात पैसे एवं मोबाइल लूट लिया गया था। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मामले का उद्बोधन के लिए सिटी SP की निगरानी में सिटी DSP अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर घटना में सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटी गई पैसा, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 1 शिक्षा, 13 कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मालूम हो कि गिरफ्तार 3 अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नाथनगर के नूरपुर में हुए डबल मर्डर मामले में रुपेश यादव आरोपी है। वह पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। SSP ने आगे बताया कि टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी को 20,000 नगद पुरस्कृत किया गया है। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो SDPO सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि SHO मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत BIU के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक UP के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक NDPS एक्ट का है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है, इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई, इसके साथ ही साथ 4 हथियार जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है उसको 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।